नमस्ते नमस्कार जय जगन्नाथ। मैं श्रीकांत आपको स्वागत करता हूँ लाइव टू एक्सप्लोर में। और एक वीकेंड है और जब से हम आए हैं 2 महीने से सैनडियागो ट्रिप के बाद, मतलब उससे पहले भी जितना सारा वीकेंड आया ना, मोस्टली हम दोस्तों से मिले। नवीन जी के घर गए, गोगी जी के घर गए, नवीन जी भी इधर आए, फिर देव भाई भी इधर आए और 2-3 हमारे सब्सक्राइबर्स वो भी आए। ओब्वियसली किसको किसको वीडियो लेना है, किसको किसको नहीं लेना है वो प्रेफरेंस रहता है, इसलिए हमने वीडियो नहीं लिए। नहीं तो ऐसा हुआ कि ऑलमोस्ट हर वीकेंड कोई ना कोई आ रहा था, किसी ना किसी से हम मिल रहे थे, तो बहुत सारा ज़्यादा ट्रैवल हुआ नहीं है। और ये वीकेंड हम पूरा फ्री हैं। और लास्ट टाइम हम नवीन जी के घर गए थे तो ऐसे ही डिस्कशन हुआ कि इधर एक पास में बहुत ही बड़ा एक टेम्पल है, स्वामीनारायण टेम्पल। पास में नहीं, एक्चुअली इधर से कुछ होगा 70-80 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और नवीन जी और लता दीदी आ रहे हैं हमारे घर पे, तो वो जैसे ही आएंगे 3-4 बजे हम इधर से हम निकलेंगे वो मंदिर के लिए। उससे पहले हम ये जो डिनर है, लंच डिनर बोथ पूरा प्रिपेयर कर लेते हैं, क्योंकि मंदिर से आने के बाद लता दीदी और नवीन भाई हम साथ एक साथ डिनर करेंगे, तो आने के टाइम पे शायद लेट हो जाएगा, इसलिए सब कुछ कुक करके हम रख के रेडी करके रख के चले जाएंगे, फिर आने के बाद डिनर करेंगे। तो आज वैसे भी आपके साथ शेयर करेंगे क्या क्या बन रहा है। लास्ट टाइम हम कुछ तो शॉर्ट में डाले थे, शायद घंटो तरकारी, हमारा जो उड़ीसा का एक सिंपल सा मिक्स वेजिटेबल डिश रहता है, आपके साथ आज वो शेयर करेंगे। और उसके साथ हम दिखाएंगे हमारा इधर छोटे छोटे टमाटर हुए हैं तो उसका एक चटनी बनाना भी दिखाएंगे। तो ये सब के बाद हम इवनिंग के तरफ, आफ्टरनून के तरफ, मतलब 3-4 बजे मंदिर के लिए जाएंगे और देखेंगे कैसा है। वैसे हम इंडिया में जब थे माने तो रोज़ टेंपल जाते, हर दिन टेंपल जाने का आदत था, लेकिन इधर तो इतना पास में तो है नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। कभी भी ऐसा मौका मिलता है तो हम छोड़ते नहीं है। आयुष्मान का छुट्टी क्या? आयुष्मान वैसे थोड़ा लेट आता है ब्लॉग, लेकिन अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वर्ल्ड कप का दिन में हम ये ब्लॉग बना रहे हैं। आते आते आज फाइनल है और आते आते थोड़ा लेट होगा, शायद 10-12 दिन या 15 दिन, पता नहीं, जब तक हम एडिट करेंगे तब तक आएगा। बहुत टाइम लगता है क्योंकि काम भी रहता है। जय जगन्नाथ। वैसे भी आज बन रहा है हमारा मिक्स करी, घंटो तरकारी, हम ओडिया में बोलते हैं इसको घंटो तरकारी। तो इसमें से मूली, गाजर, जुकिनी, ये पम्पकिन, आलू, बैंगन और ये अरबी, हम सारू बोलते हैं। ये इधर तो मस्त मिलता है, इधर हमारा बेंगलुरु में नहीं मिलता था, लेकिन इधर मिलता है, हम दबा के खाते हैं। बहुत अलग अलग डिश बनता है, कभी कभार ऐसे ही दिखाते रहेंगे। और ये उड़द दाल का है बड़ी, हम बड़ी बोलते हैं इसको, छोटा छोटा रहता है। ये कैसे बनता है मतलब? सिर्फ उड़द दाल को ना भिगो के रखना है 5-6 घंटे, उसके बाद उसका पेस्ट बनाकर वो छोटा छोटा एक 3 की प्लेट हो या किसमें ऑयल लगा के, थाली वाली हो, हाँ हाँ थाली में ऑयल या घी लगा कर ना वो धूप में छोटा छोटा ऐसे करके पूरा सुखाना है। 2-3 दिन के बाद ये पूरा ऐसे वाला हो जाएगा। जो मेदू बड़ा बनता है ना, मेदू बड़ा का जो बैटर बनता है थोड़ा मोटा वाला, वो ऐसा छोटा छोटा करके डालते हैं, डाल के सुखा दें तो ये बनता है। ये ट्रेडिशनली हम डालते हैं घंटों में क्योंकि इसका एक अलग सा अरोमा रहता है, बहुत ही बढ़िया रहता है। थोड़ा सा हींग और जीरा, हाँ वो डालता है ना, हाँ। उसमें मतलब ये बनाने के टाइम पे, हाँ। और फिर सारे मिक्स वेजिटेबल के साथ ये भी जाता है ताकि जो बोलते हैं ना ऑथेंटिक टेस्ट आता है। वैसे ये ऑप्शनल आपके पास नहीं है, बाद में ही डालना है, नहीं तो ये पूरा बिगल जाएगा। बिगल जाएगा पूरा लास्ट को, सब कुछ हो जाने के बाद ये डाल के थोड़ा बिठाते हैं ना। और एक चीज़ है पीली मटर, ये भी हम डालते हैं घंटा तरकारी में। एक तो पीली मटर भिगो के डालो, ये वाला मटर, तो चना डाल, नहीं तो चना डाल, अगर ये नहीं है, नहीं भिगोने के लिए भूल गए तो चना डाल को भी डाल सकते हो। ये दोनों कॉम्बिनेशन ना, तो जितना सारा हम वेजिटेबल डालते हैं उसको बाइंड करके थोड़ा सा थिक टाइप बनाता है, उसका टेस्ट अलग आता है। यही थोड़ा डिफरेंस है जो कि हमारा नॉर्मल मिक्स वेज रहता है और हमारा उड़ीसा में। ऑब्वियसली हमारा उड़ीसा में अलग अलग पार्ट में थोड़ा बहुत वेरियंस रहता है, लोग थोड़ा थोड़ा अलग टाइप का बनाएंगे, लेकिन ये हम हमारे एंसिस्टर से जो बोलते हैं ना, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से होके आए, तो हम इस टाइप का बनाते हैं। तो इसका सिंपल सा रेसिपी हम आपको दिखाते हैं,
क्विकली आपको दिख जाएगा, हर स्टेप हम छोटे छोटे पार्ट करके डाल देंगे वीडियो में। उसके साथ करेला चिप्स बनाएंगे और बीट रूट पाचीडी बनाएंगे और मीठा में हलवा बना देती हूँ आज। हाँ, फिर गोभी गोभी मटर का भी, गोभी मटर का सब्जी, हाँ वो सब डिनर का, डिनर के लिए हम बना के रख देंगे, मंदिर से आने के बाद डिनर में खाएंगे, अभी भी थोड़ा खा के चले जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। अभी इसमें हम थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर बॉईल कर देंगे। उसके बाद वो मैंने तो ये सीटी लगा ली मटर को, वो तड़का लगाऊंगी जब, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, जीरा पाउडर डालकर तड़का लगा दूंगी। उसके बाद ये सबको मिला दूंगी। इसमें और एक चीज़ है, गरम मसाला नहीं डालता, क्योंकि ये पूरा जो वेजिटेबल का ना फ्लेवर आएगा, इसलिए हम गरम मसाला नहीं डालते। तो मैक्सिमम जितना कोशिश होगा कि जो वेजिटेबल्स रहता है ना उसका ही फ्लेवर आए, बाकी मसाला का थोड़ा कम आए। हाँ। हमने हमारा खाना बनाना थोड़ा पॉज कर लिया था, क्योंकि ऐसा मोमेंट आ गया, आपने तो देखा रहेगा जो देख रहे होंगे, बहुत ही अमेजिंग, मतलब ऐसा अमेजिंग गेम। देखो इजीली विन हो जाता है और इजीली कोई भी चीज़ लाइफ में मिल जाता है ना उसका मज़ा नहीं आता है। जीत जाता अगर इजीली तो ठीक है, खुशी तो होती, लेकिन आज जैसा जीत हुई, मतलब लास्ट मोमेंट तक डाउट था, स्ट्रगल था, इतना सारा स्ट्रगल होने के बाद जब जीत मिलता है ना, तभी खुशी का जो बोलते हैं ना, खुशी कई गुना बढ़ जाता है। वही हुआ, आयुष्मान तो 7:30 बजे से उठ के बैठा है, सब लोग रो पड़े, सब लोग। चलो बैक टू आवर खाना, खाना बनाने का प्रोसेस। इसको थोड़ा तेल में फ्राई करना रहता है, लिटिल बिट ब्राउन होने तक, फिर इसको निकाल देंगे और तड़का लगा देंगे ना। ये देखो हमने जो बड़ी डाला ना, वो काइंड ऑफ डबल हो चुके हैं, थोड़ा साइज में फूक गए हैं, उसका मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है ये। फिर ये जो तड़का लगाया, 5 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएगा। 5 मिनट इसको ढक के बिठा देंगे थोड़ा टाइम, फिर ये रेडी। बहुत ही सिंपल, कोई मसालादार नहीं है, सिर्फ धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर है, बाकी पूरा उसका जो फ्लेवर है वेजिटेबल और वो बड़ी का फ्लेवर इन्फ्यूज़ होके बहुत बढ़िया लगेगा, सिंपल वाला टेस्ट। और ये जिंजर, बिना जिंजर गार्लिक का भी बनता है, जिंजर गार्लिक, सॉरी गार्लिक और ओनियन का, क्योंकि इधर महाप्रसाद जैसा यूज होता है ना श्री मंदिर में, प्याज लहसुन, हाँ श्री जगन्नाथ टेम्पल में ये बनता है, तो बिना प्याज लहसुन का भी बनता है ये। और ये जितना टाइम रहेगा ऐसा थोड़ा थिकनेस पकड़ेगा, क्योंकि इसमें पोटैटो भी है, अरबी है और वो बड़ी है, बड़ी और चना,
हाँ वो मटर 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 है तो वो सब जो बोलते ना सोक करेगा वाटर, तो एकदम नॉर्मल कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। तो आपको अगर लगेगा ज्यादा पानी हो रहा है तो नहीं। डरो मत, क्योंकि नहीं तो और सूखा हो जाएगा वो। हमारा खाना हो गया पूरा का पूरा सेट, पूरा रेडी हो गया। अभी ये हमारा मिक्स करी घंटों घंटों, ये गोभी और मटर की सब्जी, ये करेला चिप्स, ये बीट रूट पाचीड़ी और और राइस, राइस। और डेजर्ट में भी है हलवा, और हम थोड़ा बड़ी भी, ये तो शायद एक शॉर्ट में मैं दिखाया था, ये बड़ी लोकल वाला इंडिया से आया हुआ, बहुत ही क्रिस्पी लगता है, ये भी एक है। चपाती, अभी राइस। चलो फिर थोड़ा समय के बाद मिलते हैं। अभी थोड़ा सा समय है तो मैं जो बोल रहा था वो चटनी बनाएंगे। इधर टमाटर है छोटा छोटा, बहुत ही प्यारा प्यारा। वैसे ये टमाटर ना पकता नहीं है, क्योंकि वो ग्रीन टमाटर है छोटा वाला, तो इतना ही पकता है। थोड़ा समय रखने के बाद ऐसा कलर आता है, और ये बहुत ही टेस्टी है खाने के लिए। एक दो बार मैंने चटनी बनाया उसका, तो फ्रेश वाला चटनी बनाएंगे, मज़ा आ जाएगा इसका, दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत ही बढ़िया बनता है ये। तो ये सारे चीज़ का एक चटनी बनाएंगे, टमाटर ग्रीन वाला, धनिया पत्ता, लहसुन, थोड़ा सा मिंट, ये तीन टाइप का मिर्ची है। तो इसमें जो तीन टाइप का मिर्ची है ना, इसमें से ये तो नॉर्मल पेपर है, ये स्वीट पेपर बोलते हैं, ये बिल्कुल ही तीखा नहीं है, थोड़ा मीठा मीठा लगता है। ये मीडियम टू हाई सेरेनो पेपर करके बोलते हैं, कभी कभार ये तीखा नहीं लगता, कभी कभार बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। और ये इसकी बात ही क्या बोल रहे हैं यार, ये तो भूत झोलकिया या नागा झोलकिया या इधर क्या हबनेरो चिली बोलते हैं, ये तो सुपर डुपर तीखा, इतना छोटा सा भी दाना में चबा हो ना, ये भयंकर तीखा लगता है। और ये आई थिंक वन ऑफ द हाइस्ट कैटेगरी में आता है, जो कि हॉट रहता है, बहुत ज़्यादा हॉट पेपर है ये। तो ये सारे का हम चटनी बनाएंगे। फिर आगे एक सीक्रेट चीज़ है, सीक्रेट मतलब क्या, वही टेस्ट इसमें ऐड करता है, वो वाला मैं दिखाऊंगा। तो इसका पहले एक पेस्ट बना लेते हैं। इसमें और कुछ नहीं, जो सॉर क्रीम आता है, इधर सॉर क्रीम करके आता है, पता नहीं इंडिया में तो मैंने कभी देखा नहीं, शायद मिलता रहेगा। अगर सॉर क्रीम नहीं मिलता है तो जो नॉर्मल हमारा व्हिप्ड क्रीम आता है, मोटा वाला क्रीम आता है, उसमें 50% वो क्रीम, 50% योगर्ट डाल के पूरा फेंट लेना ठीक से, फिर इसमें डाल देना। सच में बोलो यार, इतना ज़्यादा ये मस्त लगता है। आप तीखा जो लेवल है वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो एडजस्ट, ये जो डिप आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी चीज़ आप खाते हो इसमें डिप करो, सुपर डुपर बहुत मज़ा आता है। बस यही आपसे शेयर करना था, ऑलरेडी ब्लॉग बना रहा था तो सोचे कि आपसे ये शेयर कर लें। कुछ भी पकोड़ा पकोड़ा कुछ भी हो आप डिप करो इसमें, मज़ा आ जाता है। क्या चटपटा है यार, तीखा भी थोड़ा कम हो गया,
फिर भी काफी है। चलो फिर वेट करते हैं, नवीन जी आने के बाद निकलते हैं। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, सो नाइस। नमस्ते जी, हाँ रख देते हैं पीछे। नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्ते। और ओडिया में क्या बोलते हैं? नमस्कार, नमस्कार। हम तीन तेरा बेटे को बोल बीच में बैठ, सो ही कैन सी द होराइजन। हाँ ऐसा मधुरा गए स्वामी नारायण टेम्पल चिनो हिल्स। बहुत ही बढ़िया लकड़ी का काम हुआ है, कैसा डिटेल काम हुआ है, ये लकड़ी का कैसा डिटेल काम हुआ है ना, पूरा पूरा खुदाई करके कार्विंग, पूरा कार्विंग मस्त किया है। हाँ रेस्ट रूम है। हेलो नमस्कार, ये आर्किटेक्चर और कितना डिटेल्ड खुदाई है वो इम्पोर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा धूप है, ये वाला जो है मैं हम फोटो में देख के बहुत मज़ा आया था, तो जाने का प्लान कर रहे थे। ये वाला बहुत ही खूबसूरत लगता था फोटो में, और सामने तो है और खूबसूरत लगता है। और सीधे इस एरिया पूरा बहुत बढ़िया लग रहा है, वाह। ये पत्थर का है, पूरा एक एक एकदम डिटेल फील हो रहा है, डिटेल आर्किटेक्चर। रेस्टोरेंट में आए, थोड़ा मंदिर का एक रेस्टोरेंट है, वो
ओह अच्छा, ये सब है, स्नैक्स है, सारे स्नैक्स मिलता है, इधर से ले सकते हैं। ये वाला सही है, इधर सारे स्नैक्स बहुत अलग अलग वैरायटी का मिलता है। हमने चखना पकना कुछ लिया, ये सब ये क्योंकि हर जगह नहीं मिलता है राइट, हमारा ये सब मस्त लगता है खाने के लिए। एक स्वीट लड्डू लिया, सिंगदाना, और ये चलो बिलिंग करते हैं। इन अमेरिका वी हैव टू पे फॉर द मंदिर प्रसाद। मंदिर प्रसाद, ये प्रसाद थोड़ी है, चखना है राइट, ये प्रसाद नहीं है। प्रसाद था भी नहीं, नहीं रहेगा शायद किधर ना किधर ना किधर, तो प्रसाद नहीं है, नहीं था। अच्छा, ओह अच्छा, बड़े थे ऐसा कुछ इधर डाल दे। लेकिन बहुत बढ़िया मजा आया हमको, बहुत बढ़िया एरिया है, इतना बड़ा हमने देखे नहीं थे यूएस में खास करके। और लता दीदी बोल रही है न्यू जर्सी में इससे काफी बड़ा है, फाइव टाइम्स बड़ा है करके। बट एनी वे, कभी मौका मिलेगा तो उधर जाएंगे, अभी तो फिलहाल इधर घूम लिए। थैंक यू। तो लगभग एक घंटे के आसपास हम मंदिर और उसका आसपास एरिया हम घूमे, वैसे मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था। उसके बाद हम घर के लिए निकले, जो डिस्टेंस है घर से मंदिर तक लगभग 80 किलोमीटर के आसपास, तो एक घंटे के ऊपर लग गया। और पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया, ऑलमोस्ट 8 बज गए। खाना तो हमने बना लिए थे, तो बहुत समय तक हम बैठ के बातचीत किए। आयुष्मान, माननीय और लता दीदी सब बैठ के गेम खेल रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को भी उतना ही मज़ा आया रहेगा। बहुत ही बेहतरीन दिन था, वर्ल्ड कप जीता, एंजॉय किया हमने, मंदिर घूमा, और क्या चाहिए। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय जगन्नाथ।